कमले साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्त्री काल यूट्यूब चैनल पर। जय भीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय भीम, जय हेलो, हाँ संजीव चंदन जी, जय भीम, जय भीम, आवाज आ रही है? नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है, आवाज जी जी। रामदास जी आठ हफले की बड़ी भूमिका रही है, जब पैंथर मूवमेंट डिसॉल्व हुआ, राजा ढाले जी ने एक चिट्ठी से डिसॉल्व की थी, तब जाकर के पैंथर आंदोलन को एक गति देने का काम रामदास जी आठ हफले ने किया। और यह वही दौर है जब बहुत दिनों तक एक जाइल में जीने वाली माई साहब सविता अम्बेडकर को इन लोगों ने दोबारा एक, और एक बड़ी घटना है इस रूप में, बड़ी घटना है कि जो समाज अपने नियंता के लिए, जिसके अपने बाबा साहब के लिए वेदना से भरा हुआ था और माई साहब के प्रति नकारात्मक था, उसको एक स्त्रीवादी टर्न रामदास जी अठबले और राजा ढाले जी ने दिया था। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे माई साहब को लेकर के, रामदास जी अठबले के संस्मरणों को सुनेंगे और क्या स्थितियां थी और किस तरह से इन्होंने जोड़ा और क्या कारण थे कि माई साहब को काफी दिनों तक एक अपमान और अपवाद की स्थिति में रहना पड़ा था। और आखिरी सवाल जरूर हम इनसे पूछेंगे, हम सब का सवाल है वो, कि कंगना रनावत जो कि इन दिनों आरक्षण के खिलाफ बोल रही हैं और जातिवादी टिप्पणियां कर रही हैं, उनको संरक्षण इन्होंने क्यों दिया, वो आखिरी सवाल होगा। अठबले साहब आपसे सबसे पहला सवाल कि आप माई साहब के संपर्क में कब आए और कैसे आए थे? तो माई साहब अम्बेडकर जी के संपर्क में हम तब आए जब माई साहब अम्बेडकर जी मतलब मुंबई में दादर में रहने के लिए आई थी। बहुत साल तक मतलब माई साहब मुंबई में नहीं आई थी। उसका कारण ये था कि हमारे हमारे सभी दलित समाज के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण होने के बाद माई साहब के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और उसमें उन्होंने मतलब ये बात उन्होंने की कि माई साहब अम्बेडकर जी ने बाबा साहब को मतलब बाबा साहब के मृत्यु के लिए माई साहब अम्बेडकर जिम्मेदार है, उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है। इसी तरह की प्रचार, इसी तरह का प्रचार पूरे भारत देश में इन नेताओं ने किया। शायद ये नेताओं के डर था कि माई साहब अम्बेडकर अगर नेतृत्व संभाल लेगी तो माई साहब अम्बेडकर पूरा नेतृत्व ले जाएगी और अपनी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, इसलिए शायद ये नेताओं ने इसी तरह की चाल खेली थी। अगर माई साहब अम्बेडकर जी अगर ऐसा कुछ करती थी तो आज माई साहब जब थी तो माई साहब अपना जो कुंकू होता है हमारे महाराष्ट्र में या गंध होता है, कुंकू होता है, वो लगाती थी और कुछ लोग उनको पूछते थे कि माई साहब आपके जो मतलब आपके हस्बैंड है बाबा साहब तो मर चुके हैं, उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, आप क्यों लगाते हैं? तो वो बोलती थी मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ नागपुर में दीक्षा ले ली है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जब दीक्षा का समारोह हुआ तब बाबा साहब के साथ साथ माई साहब थी। जब काठमांडू में जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सम्मेलन हुआ उसमें माई साहब अम्बेडकर जी थी। जब श्रीलंका में भी मतलब ये बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें भी माई साहब अम्बेडकर जी थी। तो माई साहब अम्बेडकर जी जब राजा ढाले जी दलित सांसद के नेता थे, राजा ढाले ने पूरा स्टडी किया और राजा ढाले ने एक कंक्लूजन निकाला कि माई साहब को जानबूझकर ये नेताओं ने बदनाम कर दिया है और ये नेताओं ने अपना नेतृत्व टिकाने के लिए माई साहब के खिलाफ इसी तरह की साजिश की है। ये मुद्दा राजा ढाले ने बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद राजा ढाले ने बताया। तो फिर माई साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। राजा ढाले से जब हम लोग अलग हो गए, हमने दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया, भारतीय दलित पैंथर जब शुरू की, तब हमारा कहना इतना ही था कि दलित पैंथर की मूवमेंट रहनी चाहिए, उसको डिसॉल्व करने से अपने समाज का भारी नुकसान होगा। दलित पैंथर एक बहुत ही बड़ी खूंखार संगठन है। एक दलित पैंथर का जो आंदोलन होता है आंदोलन डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन दलित पैंथर के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। दलित पैंथर खूंखार आवाज से, बुलंद आवाज से गांव को ललकारता है, हम आपके ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर अन्याय करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम गांव को भी जला सकते हैं लेकिन हम गांव को नहीं जला देंगे, हम खुद जल जाएंगे लेकिन गांव को नहीं जला देंगे। इसी तरह की भूमिका हम रखते थे और इसी तरह मतलब जो माई साहब के साथ मेरे सबसे ज्यादा संबंध इतने अच्छे हुए थे, माई साहब अम्बेडकर मुझे दत्तक भी लेने के बारे में सोच रही थी। तो मतलब जो माई साहब को मैंने पूरे भारत में, पूरे यूपी में, मध्य प्रदेश में, अपने कर्नाटक में,
अपना आंध्र प्रदेश में, बहुत राज्यों में, अपने वेस्ट बंगाल में, बहुत जगह पर माई साहब को मैंने लेकर घुमा था। बाकी महाराष्ट्र के सभी जिलों में, सभी जिलों में जब माई साहब को हम ले जाते थे तो लोग उनका पैर पड़ने के लिए आगे आते थे कि बाबा साहब की पत्नी है, और बाबा साहब को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन माई साहब उनकी पत्नी हमारे बीच में आई है, तो माई साहब को देखने के लिए, माई साहब का पैर पड़ने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग आते थे। तो मैंने माई साहब को न्याय देने का काम किया, राजा ढाले ने तात्विक न्याय देने का काम किया, लेकिन मैंने माई साहब को डिलीवरिंग करके मैं सब जगह पर ले गया, और किसी ने मेरे ऊपर आग नहीं उठाई, किसी ने माई साहब की तरफ कोई वक्र दृष्टि से नहीं देखा। उसी तरह मतलब मैंने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में माई साहब को घुमाने का काम किया था। अगर कोई प्रोग्राम लेने के लिए आते थे तो माई साहब बोलती थी कि रामदास को जाकर हॉस्टल में मैं मिलूं, सिद्धार्थ हॉस्टल में, फिर वो लोग मेरे पास आते थे और मैं डेट देता था, मैं माई साहब के साथ जाता था। माई साहब प्लेन से जाती थी, लेकिन मैं ट्रेन से, बस से मैं उधर पर पहुंचता था। तो इसी तरह मतलब महाराष्ट्र में प्रोग्राम होगा तो फिर हम बाय रोड जाते ही थे, लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर प्रोग्राम होगा तो माई साहब मतलब गुजरात में बहुत बार गई, तो गुजरात में माई साहब आती थी, मैं बस से, ट्रेन से मैं उधर पहुंचता था। तो इसी तरह माई साहब के साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध थे, आखिर तक माई साहब के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, और इसीलिए माई साहब के बारे में मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मुझे बहुत बड़ा अभिमान है। संदीप जी, लेकिन अटल साहब एक सवाल बनता है कि जब नेताओं ने उनकी छवि खराब की थी तो आपके सामने एक बहुत बड़ा खतरा होगा कि आप जब माई साहब को लेकर जा रहे हैं तो आपका आपका जो पॉलिटिकल करियर था उससे नुकसान हो सकता था, नेताओं के द्वारा भी और जनता में भी, जो लोग उनके खिलाफ थे वे आपके खिलाफ हो सकते थे, ये एक राजनीतिक चुनौती थी आपके सामने, उसको आपने मेरे सामने तो ये चुनौती मेरे सामने थी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत भारतीय दलित पैंथर के टाइम पर गांव गांव में भारतीय दलित पैंथर की छावनी थी, और शहरों में गली गली में मेरे पैंथर की छावनियां थी, तो मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या लाखों की, करोड़ों की संख्या में थी। तो मैं जो निर्णय लेता हूँ वो निर्णय सही निर्णय है, मैं किस पर अन्याय नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अगर एक बार निर्णय लेता हूँ तो अगर मैं निर्णय लेता हूँ तो फिर वो निर्णय में सत्य है। इसी तरह की भावना लोगों की थी, और इसीलिए संजीव जी आप जो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे खतरा बिल्कुल नहीं लगा, और ऐसा खतरा कभी निर्माण भी नहीं हुआ। माई साहब को मैं जा लेकर गया, वहाँ लोगों ने स्वागत ही किया, और वहाँ हमने लोगों को समझाया कि माई साहब को क्यों बदनाम कर दिया। अगर माई साहब को कुछ ऐसा करना ही था तो बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने के पहले माई साहब करती थी। 8 साल तक माई साहब बाबा साहब के साथ रही, 1948 से लेकर 1956 तक माई साहब उनके साथ रही, और 8 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ उनके बहुत अच्छे से संबंध थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी था। एक बड़े आदमी के साथ मेरी शादी हो गई है, इसका उनको बहुत बड़ा अभिमान था। लेकिन बहुत सालों तक माई साहब दिल्ली में रही, और इसका कारण ये था कि महाराष्ट्र में जो लोग थे ये गलत प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब माई साहब, जब हमने ऐसा निर्णय ले लिया माई साहब के सपोर्ट का, राजा ढाले ने और मैंने, तो माई साहब फिर मुंबई में आई थी, और मैं लगातार माई साहब के पास जाता था। लगातार 1-2 दिन में मैं हॉस्टल से चलकर, मतलब कम से कम 3-4 किलोमीटर का अंतर है, 3-3.5 किलोमीटर का, मैं हॉस्टल से निकलकर माई साहब को चलते चलते वहाँ मैं जाता था 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, और माई साहब के साथ चर्चा करता था, माई साहब का एक आधा प्रोग्राम तय करता था, माई साहब के लिए कोई पब्लिसिटी के लिए कोई इंटरव्यू लेने का काम मैं करता था। तो इसी तरह माई साहब के साथ मेरे बहुत गौरवशाली संबंध थे। संजीव जी, उनके इमीडिएट परिवार, मतलब बाबा साहब का जो परिवार था जिसमें यशवंत जी थे और प्रकाश अंबेडकर थे और तमाम, वहां माई साहब को लेकर के जब आप लोग उनके साथ घूम रहे थे तो उनका उनका रिएक्शन क्या था? इनका रिएक्शन तो इतना ठीक नहीं था, लेकिन माई साहब उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती थी, क्योंकि माई साहब को उन्होंने घर के बाहर निकाला था, माई साहब को उन्होंने कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे दिया था। माई साहब अम्बेडकर जी एक छोटे से घर में, अगर बोला जाए तो दादर में जो कुबेर फैमिली का मकान था, उनके फैमिली का जो मकान था उनके मामा बाप के उधर का, तो माई साहब अम्बेडकर जी का एक रूम था, बाहर एक छोटा हॉल था, और उनकी 3 बेडरूम थे। उसमें माई साहब का जो बेडरूम था 8x10 का होगा,
मतलब इतना छोटा सा बेडरूम था, उसी में माई साहब की क्वार्ट रहती थी, उनका थोड़ा सामान रहता था। तो माई साहब अगर कोई उनको खाना है कोई क्या करना है, माई साहब चल कर उधर कुछ होटल है उधर जाती थी, कभी कभी मैं भी उनके साथ जाता था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि माई साहब ने बहुत ही दिन मतलब इतने अच्छे दिन उन्होंने नहीं निकाले है। लेकिन मैं हमेशा माई साहब को जब मैं मंत्री बना था, मंत्री बनने के पहले तो मेरे पास कुछ था भी नहीं, मंत्री बनने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरा पेमेंट आता था, इसीलिए मैं माई साहब को कभी साड़ी लेकर देना है, कभी मैं दुकान में लेकर जाएगा तो 5-6 साड़ी माई साहब को लेकर देता था, कोई मदद माई साहब को 5-10 हज़ार रुपये में देता था। तो इससे माई साहब के मेरे अच्छे संबंध थे। लेकिन आखिर में मेरा सपना ये था कि माई साहब आखिर में मुझे दत्तक लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन दत्तक की बात छोड़ दो, लेकिन माई साहब के साथ मेरे बहुत गहरे संबंध थे। लेकिन यशवंतराव अम्बेडकर जी जो प्रकाश अम्बेडकर जी के पिताजी थे, उनके और उनके भी संबंध अच्छे से नहीं थे, और प्रकाश अम्बेडकर के और उनके भी संबंध अच्छे से नहीं थे, खाली मेरे साथ ही माई साहब के संबंध अच्छे थे। एक बड़ी स्त्रीवादी भूमिका आपकी रही और एक स्वागत योग्य बात है, इसके लिए आपको इतिहास याद रखेगा पैंथर के लिए और माई साहब को पुनर्स्थापित करने के लिए। उनके लिए जनता में नकारात्मक गीत थे, गालियां थी, उन सब को आप लोगों ने दोबारा ला करके और जनता को समझाया कि माई साहब निर्दोष हैं, इसके लिए आपको इतिहास जरूर याद रखेगा हमेशा। लेकिन एक सवाल ये है कि माई साहब की खुद की राजनीतिक आकांक्षा थी क्या? आप लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्था की राज्यसभा जाए? हाँ, माई साहब की मतलब ऐसी इच्छा थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक राज्यसभा माई साहब को मिलनी चाहिए, इसके लिए मैंने शरद पवार जी बात की थी। लेकिन माई साहब का स्वभाव ऐसा था कि माई साहब एकदम झटपट बोलती थी, कांग्रेस के खिलाफ बोलना है तो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलती थी, मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलती थी, सीताराम केसरी जी के खिलाफ बोलती थी। तो ऐसा बोलने से जब शरद पवार जी कांग्रेस में थे और जब मैं मंत्री बना था तब मैं कांग्रेस के अलायंस में मंत्री बना था, तब शरद पवार और कांग्रेस एक ही थे, तो तब मतलब ऐसा होने वाला था। लेकिन माई साहब के तो 2-3 स्टेटमेंट ऐसे आए, उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया था, नहीं तो माई साहब को राज्यसभा मिलती थी। दूसरा ये कि एक बार माई साहब मुझे बिना पूछ कर ही जो अपने नेहरू फैमिली के उत्तर प्रदेश में मतलब माई साहब को एक बार खड़ा किया था अमेठी में, अमेठी के इधर का खड़ा किया था, और माई साहब को कुछ लोग मेरे बगैर आकर उनको भड़काते थे, और माई साहब को कुछ लोग वहाँ यूपी ले गए और वहाँ माई साहब खड़ी रही और वहाँ हार गई अपने नेहरू फैमिली के, या नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था शायद। हाँ, समाजवादी ने टिकट दिया था, लेकिन वो नेहरू फैमिली के अरुण नेहरू के खिलाफ मतलब माई साहब को खड़ा किया और उधर माई साहब हार गई थी। तो माई साहब, और एक बार ऐसा था कि जो अपने आंध्र प्रदेश के NTR थे, NTR वहां के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने NTR की सरकार बर्खास्त की थी। तो बर्खास्त करने के बाद NTR ने माई साहब को बुलाया था, उसके साथ माई साहब के साथ मैं भी गया था। तो NTR की सरकार जब डिसॉल्व हुई तो देश भर के अपोजिशन के लीडर सब एक साथ आए और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का घात किया है, संविधान के खिलाफ उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो इसी तरह बहुत बड़ा हंगामा तब हुआ था। तो तब जब जो अपनी तिरुपति की जगह जो है, तिरुपति की जगह माई साहब को देने का NTR ने तय किया था, लेकिन ऐसा हुआ कि माई साहब का सर्टिफिकेट तो शेड्यूल कास्ट का नहीं था, माई साहब तो ब्राह्मीण थी, और इसीलिए मतलब शेड्यूल कास्ट का टिकट उनके पास नहीं होने से तिरुपति जो आंध्र प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूशन है ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो वहाँ माई साहब को खड़ा रहना मुश्किल था। इसलिए माई साहब ने एक डॉक्टर चिंतामोहन थे, उन्होंने एक बार माई साहब का प्रोग्राम उधर रखा था बाबा साहब की जयंती का, तो उनकी उनकी पहचान थी। तो फिर NTR ने माई साहब को पूछा कि अगर आप नहीं खड़े रह सकती है तो फिर माई साहब को राज्यसभा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टर चिंतामोहन को, माई साहब की सिफारिश पर डॉक्टर चिंतामोहन को लोकसभा में
खड़ा किया था और वो वहां दो तीन बार तीन चार बार वहां जी चुनकर आए थे। तो मुझे लगता है कि तभी माई साहब ने आग्रह करना चाहिए था, तब माई साहब ने मुझे बीच में डालकर कोई एनटीआर से कुछ लोगों से चर्चा करने की आवश्यकता थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और माई साहब का जो सपना था वो सपना पूरा हुआ नहीं। माई साहब को लगता था कि मुझे राजनीति में कुछ न कुछ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मैं मंत्री बना तब माई साहब को कुछ लोग जाकर भड़काते थे कि देखो रामदास मंत्री बन गया, तुमको बनाना चाहिए था, ऐसा इसी तरह की कुछ चर्चा कुछ लोग करते थे। लेकिन ठीक बात है, उसके बावजूद भी माई साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, जो डॉक्टर सविता अंबेडकर के नाम से वो जानी जाती थी, लेकिन बाद में माई साहब अंबेडकर जी के नाम से वो पूरे देश में तो लोग उनको जानते थे, तो इसी तरह माई साहब के साथ मेरे संबंध थे। वो हमारे साथ दामोदर मोरे जी जुड़े हुए और संस्मरण सुना रहे हैं, हम उनसे जरूर सुनेंगे आपके जाने के बाद। एक सवाल आखिरी माई साहब से जुड़ा हुआ और फिर एक दो सवाल थोड़ा समसामयिक सवाल आपसे करेंगे, जनता आपसे पूछ रही है। ये जब आप माई साहब को लेकर जाते थे तो क्या कुछ लोग ऐसे थे जो आपको आकर कन्विंस करते हो कि आप गलत कर रहे हैं और आपको चाहिए कि माई साहब को आप ना घुमाएं, और मतलब समाज के भीतर से कोई विरोध आया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ विरोध आया नहीं था। जो मैंने पहले भी बोला कि जब मैं माई साहब को पूरे देश भर में महाराष्ट्र में लेकर घूमता था, ये चर्चा ज्यादा सारी महाराष्ट्र में ही थी, महाराष्ट्र के बाहर उतनी चर्चा नहीं थी। तो महाराष्ट्र में भी जब मैं जहाँ जहाँ माई साहब को ले जाता था, लोनावला, पुणे, नागपुर, वर्धा, और मतलब यहाँ औरंगाबाद है, नांदेड़ है, उस्मानाबाद है, लातूर है, परभणी है, बीड है, या पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, बहुत जगह पर माई साहब को जब मैं ले जाता था तो तूफान लोगों की भीड़ मतलब वहाँ उनको मिलने के लिए आती थी, सभा में भी मतलब अच्छी भीड़ होती थी। माई साहब मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप गलत कर रहे हैं, और मैं बोलता था कि मैं ये सही कर रहा हूँ, क्योंकि माई साहब पर अन्याय हुआ था, कैसे माई साहब बाबा साहब को मार सकती है, कैसा बाबा साहब के संबंध में इसी तरह की भावना मन में रख सकती है, माई ने इतना बड़ा काम किया है, बाबा साहब को बहुत अच्छी तरह संभाला है। बाबा साहब ने जब बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे संभालने के लिए कोई मैं नर्स रखूंगा, तो लोग चर्चा करेंगे कि ये नर्स और बाबा साहब के कुछ ऐसे संबंध है, तो मेरी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए कोई ना कोई तो डॉक्टर मेरी मेरी मेरे अगर शादी करके रहती है तो मुझे भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बाकी का काम करने में मुझे मदद होगी। इसीलिए बाबा साहब ने सविता अंबेडकर सविता कबीर को डॉक्टर सविता कबीर को ऑफर दी, क्योंकि दादर में एक डॉक्टर का एक हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी थी, वहाँ बाबा साहब उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, वहाँ सविता कुबेर भी डॉक्टर सविता कबीर सविता कबीर भी उधर जाती थी और उनकी पहचान उधर हुई थी। तो बाबा साहब को लगा कि अगर मुझे किसी एक औरत की मुझे दवा पानी देने के लिए अगर आवश्यकता है, तो उन्होंने डॉक्टर सविता कबीर को पूछा और उन्होंने सोच कर उन्होंने उनको बहुत आनंद हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी मुझे मांग कर रहा है शादी करने की। उन्होंने बहुत बड़े आनंद से उनके फैमिली को पूछा और सब लोग बाबा साहब की पोजीशन जानते थे, बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, दलितों के मसीहा थे, देश के बहुत बड़े नेता थे, तो इसीलिए मतलब उनके फैमिली ने बोला कि चलो अगर डॉक्टर अंबेडकर की अगर ऐसी ऑफर है तो आप एक्सेप्ट करो। और 1948 में बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ माई साहब की शादी हुई थी और माई साहब फिर 8 साल तक बाबा साहब के साथ रही थी। तो जो सवाल आपने किया था, जी आप तो कविताएं भी लिखते हैं, तो माई साहब के ऊपर कोई कविता आपने लिखी थी कोई यदि याद हो आपको? बात पुरानी हो गई लेकिन कोई कविता लिखी हो आपने? नहीं, माई साहब पर तो नहीं थी, ऐसी लिखी नहीं कविता, नहीं लिखी हुई, लेकिन अभी मेरे पास ऐसी का नहीं, अभी याद नहीं है जी। अब दो तीन सवाल आखिरी आप थोड़ी देर के लिए आपको आपसे चाहेंगे। एक बड़ा सवाल है, देखिए माई साहब को लेकर के आपकी बड़ी भूमिका है और दलित समाज की भी भूमिका है। दलित समाज ने बहुत जल्दी अपना दर्द, एक अपने मसीहा के प्रति, मसीहा के जाने से जो दर्द उभरा था, उस दर्द को उसने भुला दिया और बहुत जल्दी माई साहब के प्रति जो उसने पूर्वाग्रह पाल रखा था उससे बाहर निकला। ये एक बहुत बड़ा स्त्रीवादी आप एक कारण से विवाद में हैं और खास करके दलित चेतना आप पर सवाल उठा रही है
कि जब कंगना रनावत ने आरक्षण का विरोध किया, बार बार खुद को छत्राणी बता रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या जरूरत थी? हालांकि एक जरूर है, मैं नोट कर दूं कि आपने हर बार जब भी बिहारियों पर लोगों ने अटैक किया है, तब तब पैंथर ने, आपने और आपकी आरपीआई ने बिहारियों का समर्थन किया। श्याम मानव की एक बड़ी घटना है जब आपने श्याम मानव को प्रोटेक्ट किया था जब शिवसेना ने उन पर हमला किया था, तो ये सब आपके अच्छे इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज आपको क्या जरूरत पड़ी कि आरक्षण विरोधी कंगना रनावत को आप प्रोटेक्शन देने पहुंचे? तो मतलब चंदन जी, ये मतलब मुझे पूरा मालूम था कि कंगना रनावत एक फिल्म एक्टर है और उन्होंने मतलब जो आरक्षण है, आरक्षण आर्थिक निकष पर देना चाहिए, इसी तरह की बात उन्होंने की थी। तो ये बात भारत में बहुत सारे लोग करते हैं कि जो जातियों में गरीबी है तो उनको लगता है भाई दलितों को मिलता है फिर हमको क्यों नहीं मिलता है, आदिवासियों को मिलता है हमको क्यों नहीं मिलता है, इसी तरह की बातें। लेकिन उस मुद्दे को हम समझ नहीं है, आर्थिक निकष पर सारा आरक्षण देने में हमारा विरोध है। हमारा कहना इतना है कि एससी और एसटी का आरक्षण जो है और ओबीसी का आरक्षण, ये आरक्षण छोड़कर बाकी के जो उनको देना हो दे दो। और अभी सरकार ने, मैं बहुत बार ये मांग करता रहा और भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो सवर्ण समाज के लोग है जिनकी पॉपुलेशन 23% है, ऐसे लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है। और अभी सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, दलित आदिवासियों को मिल रहा है, सवर्णों में भी जो लोग 10 उनको मिल रहा है। तो मतलब वो कंगना रनावत के मत से मैं सहमत नहीं हूँ। जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, आत्महत्या की हत्या, इस पर गंभीरता से सभी लोगों में चर्चा होती रही और उसमें कंगना रनावत ने मतलब जहाँ मनाली में रहती थी वहां से उन्होंने मतलब ट्वीट किया और जो पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी मतलब उन्होंने देने का काम उन्होंने किया था। तो मतलब इसी तरह कंगना रनावत जी को शिवसेना ने धमकी दी जब उन्होंने बोला कि भाई ये मुंबई पाक व्याप्त कश्मीर जैसी है, तो उस मत से भी हम सहमत नहीं है। मुंबई मुंबई है, मुंबई खाली शिवसेना की नहीं है, मुंबई सभी पार्टियों की मुंबई है, सभी जो मुंबई में रहता है वो मुंबई कर है। तो जब कंगना रनावत को धमकी देने का काम शुरू हुआ, उनको हरामखोर बोलने का काम शुरू हुआ, वो नौटिया ऐसा बोलने का काम शुरू हुआ, उनका मुंह तोड़ेगी ऐसा, इसी तरह की बातें चलती रही। तो मैं बोला कि मुंह तोड़ना है तो पाकिस्तान का मुंह तोड़ो, मुंह तोड़ना है तो चाइना का मुंह जाकर तोड़ो, ये महिला का मुंह तोड़ने से क्या मतलब है? ठीक बात है, उन्होंने जो बात की है उससे हम सहमत नहीं है। तो इसी तरह मैंने जब शिवसेना ने स्टैंड लिया तब मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैंने कंगना का संरक्षण करने की भूमिका रखी। उससे बहुत सारे मुद्दों के बाद मैं सहमत नहीं हूँ। जब मैंने एक घंटा पर उनके साथ बात की तब उन्होंने बोला कि मैं बाबा साहब को मानती हूँ, मैं संविधान को मानती हूँ, मैं समाज का जातीयवाद है वो खत्म होना चाहिए, इसी तरह की मेरी भावना है और ये जातीयवाद खत्म होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई अगर जातीयवाद खत्म होगा तो हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है, हम कंपटीशन करने के लिए तैयार है। आज हमारे समाज में भी मेरिट वाले बहुत सारे नौजवान लोग है। तो मतलब उसी तरह उनका जो मत है वो कभी ऐसा बोली थी, लेकिन अभी वो विषय बाजू में रखकर मैंने, एक महिला है, एक फिल्म अभिनेत्री है, 16 साल मुंबई में रही है और मुंबई में ये नन्हे आ सकती है, मुंबई में नन्हे रह सकती है, इसी तरह की शिवसेना की धमकावनी जो थी, धमकी थी, उसको चैलेंज देने के लिए मैंने निर्णय लिया कि कंगना का संरक्षण आरपीआई करेगी। और जिस दिन कंगना मुंबई में आई थी तब सैकड़ों मेरे कार्यकर्ता वहां थे और इसी तरह मुझे लगता है कि मैंने जो निर्णय मैंने लिया है वो निर्णय जो है वो निर्णय बहुत सही निर्णय, किसको नहीं पटता होगा, लेकिन एक महिला का संरक्षण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल, मैंने ये भी उनको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए था और वो मान्य नहीं हुआ पार्लियामेंट में, इसलिए बाबा साहब ने रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो बाबा साहब महिलाओं का आदर करते थे, उन्होंने कोई चूक की होगी, लेकिन एक महिला का संरक्षण करने के लिए किसी ना तो आगे आना चाहिए, कोई आगे नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि कंगना का संरक्षण आरपीआई करेगी, जो भी कुछ होगा वो तो देखा जाएगा। और इसी तरह मैंने कंगना का संरक्षण किया है, उनके हर मुद्दे से मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि आपको एक सूचना दे दूं अगले सवाल के पहले कि कंगना रनावत ने आपके आने के बाद, आप उनके घर गए थे और आपने प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार जातिवादी टिप्पणी की है और खुद को छत्राणी बताते हुए चुनौतियां दे रही हैं। खैर, इस पर आपकी कोई टिप्पणी मैं नहीं लूंगा। एक सवाल है आपसे कि राजा ढाले भारतीय स्वतंत्रता दिवस को काला दिन कहकर पैंथर के नेता के रूप में चर्चित हुए थे, उनकी एक कविता भी थी शायद या कुछ स्टेटमेंट था,
और काफी विवाद हुआ था उस स्टेटमेंट पे, तो मुसाफिर बैठा का सवाल है, तब क्या आप उनके स्टेटमेंट के साथ सहमत थे जो उन्होंने स्वतंत्रता राजा ढाले ने जब इसी तरह की टिप्पणी की थी तब मैं तो नहीं था, मैं बाद में मुंबई आया था, लेकिन वहां राजा ढाले ने अपनी भावना व्यक्त की थी। अगर स्वतंत्र दिन जो है, ये स्वतंत्र दिन अगर हमारा स्वतंत्र नकारता होगा, अगर ये स्वतंत्र दिन को मतलब हमें मतलब कोई न्याय नहीं मिलता होगा तो ये स्वतंत्र को क्या करना है, और इसीलिए ये काला दिन मनाना चाहिए। उसी तरह की भूमिका राजा ढाले ने नामदेव दत्ताल ने ली थी, लेकिन बाद में जब परिवर्तन होता गया तब भारत का स्वतंत्र दिन काला दिन नहीं तो मतलब स्वतंत्र दिन के रूप में मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया। जब दलित प्रांतर मेरे हाथ में आ गई तब मैंने सबको जोड़ने का काम किया, दलित मराठा, दलित ब्राह्मण, दलित ओबीसी, दलित आदिवासी, इसी तरह का जोड़ने का जो काम है एक काम मैंने मेरे कार्यकाल में किया। ज्यादा उल्टा सीधा बोलकर पूरा अपने अंग पर समाज को, सभी समाज को लेकर उसका फायदा ना नहीं है। तो अपन डेमोक्रेटिक सिस्टम से आगे चलना चाहिए, अपन रचनात्मक काम करते करते आगे चलना चाहिए। मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि महाराष्ट्र में 100 लॉरी निकालेंगे, हर जिले जिले में 50 टैक्सी निकालेंगे, 50-100 ऑटो रिक्शा निकालेंगे। इसी तरह मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि आपने कारखाने निकालने चाहिए, आपने स्कूल निकालना चाहिए, अपने हाईस्कूल निकालना चाहिए। तो इसी तरह मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे मैं काफी बिजी था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसी तरह काम करना चाहिए, रचनात्मक काम करना चाहिए, ये भावना मैंने रखी। और जब से मैंने प्रांतर हाथ में ली तब से मैंने गांव गांव में जाकर मैं मराठा समाज को बोला कि मराठा को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने बोला कि हमारे आरक्षण को हाथ मत लगाओ, बाकी का जो 50% आरक्षण है उसमें से आप ले लो, जितना लेना है उतना ले लो और शांति से रहो। तो इसी तरह की भूमिका हमारी रही है। तो मतलब जिस तरह राजा ढाले ने वो भूमिका रखी थी तब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन वो मन का जो आक्रोश था, विद्रोह था, वो विद्रोह मन से निकाल कर राजा ढाले ने वो एक आर्टिकल लिखा था और उस पर भारी चर्चा हुई थी और दलित प्रांतर उसके बाद बहुत बड़ी चर्चा में आई थी। संजीव जी, जी एक आखिरी सवाल जनता का ही सवाल है, वो लेकर के आपसे आज की बातचीत हम लोग ये करेंगे। जनता का सवाल है कि आपने गो कोरोना, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, आप जिस किसी भी मंच पे जाएंगे तो आपने गो कोरोना गो का नारा दिया, आपको क्या लगता है कि ऐसा इस नारे से सच में कोरोना की बीमारी इस देश से चली जाएगी, या आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं और आपको लगता है कि जनता आपसे मूर्ख बन करके आपको वोट दे देगी? ये एक अजय कुमार है, उनका सवाल है। हाँ ठीक है, अगर अजय कुमार जी का कहना होगा, लेकिन इसके पीछे इतना ही था कि भाई कोरोना नहीं जाना चाहिए, अभी कोरोना तो आ ही रहा है, कोरोना आ ही रहा है, आने वाली कोरोना को मेरा कहना है कि तू गो गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, ये नारा मैंने दिया था। इसका मतलब जनता को चुतिया बनाने का काम इसमें नहीं है, इसमें भावना स्वच्छ है कि कोरोना नहीं, यहाँ से जाना चाहिए। कोरोना तो बढ़ रहा है, कोरोना बहुत बड़ी संख्या में अपने भारत में आ रहा है, मैंने तो पूरे दुनिया से कोरोना नहीं जाना चाहिए इसी तरह का नारा दे दिया था। उसमें कोई किसी को धोखा देने का बिल्कुल उसमें ये नहीं था, और कोरोना नहीं जाना चाहिए। अगर वो आ भी रहा है तो आने वाली कोरोना को मैं बोल रहा था कि गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। अभी मेरा नारा है कि नो कोरोना, नो कोरोना, कोरोना नो, कोरोना नो, कोरोना नहीं होना चाहिए और सभी की जिंदगी सुखियाली खुशहाली से सबने रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जल्दी जल्दी कोरोना यहाँ से जाना चाहिए, और कोरोना जाने के लिए हम सब लोगों ने नियमों का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, भीड़ भाड़ से अलिप्त रहना चाहिए, ज्यादा बिना मतलब घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह के नियम हम वो लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना बहुत जल्दी यहाँ से चला जाएगा और अच्छा दिन भारत में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अठावले साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद अठावले साहब, आप हमारे यहाँ आए इस त्रिकाल चैनल पे और हम लोगों से आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे राजनीतिक सवालों पे और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे और मुझे लगता है आप आना पसंद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी चंदन जी, थोड़ा मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक होने नहीं होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छे सवाल मुझे किए, और जो स्त्री काल है तो स्त्री का समय और सच जो है वे लोगों के सामने रखने का काम आप कर रहे हैं, और अभी ये आ गया है स्त्री काल,
अब ये आ गया है श्री काल, अब नहीं होना चाहिए अपना हाल, तो ये हाल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री काल। जय भीम, जय भारत।